न्यूट्रेला फूड तक में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं आपकी शेफ सगुना। हमारी आज की रेसिपी है जिसमें हम इस्तेमाल नहीं करेंगे लहसुन का और ना ही प्याज का। जी हां, आज हम बनाएंगे जैन सोया कोफ्ता। और पहले हम लेंगे बेसन। बेसन तकरीबन 4 चम्मच के आसपास आप इस्तेमाल कीजिए। और इसके अंदर हम डालेंगे कसी हुई घिया। घिया का पानी निकाल लीजिएगा। और उसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड ऑन कर रहे हैं न्यूट्रेला के प्री कुक्ड सोया ग्रैनुल्स। प्रोटीन कंटेंट में काफ़ी हाई होते हैं, इसको भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। अब हम डालेंगे कुछ मसाले। मेरे पास है यहाँ पर सबसे पहले नमक स्वाद अनुसार। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ आमचूर पाउडर। साथ ही मैं डालूंगी गरम मसाला और धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च, बारीक कटी हरी मिर्च। इसको डालने से कोफ्ते का स्वाद काफी अच्छा आता है। ये हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और साथ ही में मेरे पास है बारीक कटा हरा धनिया। और इन सभी को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो कोफ्ते बनाने के लिए जो बैटर हमें चाहिए था वो यहाँ पे बनके तैयार हो चुका है। इसको हमें करना है डीप फ्राई। और डीप फ्राइंग के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ तेल का। तेल मैंने पहले से यहाँ पे गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल यूज़ किया है न्यूट्रेला रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। और तेल यहाँ पे गर्म हो चुका है। चलिए हम इन कोफ्तों को इस कढ़ाई के अंदर डाल के फ्राई कर लेते हैं। तो कोफ्ते बनके तैयार हो चुके हैं और हम इनको तेल से बाहर निकाल लेते हैं। और इसके बाद अब हम तैयार करेंगे इन कोफ्तों की ग्रेवी। और करी बनाने के लिए मैंने इसी कढ़ाई के तेल को थोड़ा सा कम कर दिया है। तेल यहाँ पर गर्म ही है। इसके अंदर हम डालेंगे सबसे पहले साबुत जीरा। और साबुत जीरे के गर्म होते ही हम उसके अंदर डाल देंगे टोमेटो पेस्ट, दो टमाटर का मैंने इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके कोफ्तों में स्वाद काफ़ी अच्छा आए तो आप फ्रेश टमाटर का पेस्ट इस्तेमाल कीजिए। और इसको हम यहाँ पर भून लेते हैं। इसके साथ ही इसमें हम ऐड कर देते हैं मसाले। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ बारीक कटी हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक। नमक थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि हमने कोफ्तों में भी नमक डाला था, ऐसा ना हो कि नमक बहुत ज़्यादा हो जाए, तो पहले उसको आप कम ही रखिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर और मैं डाल रही हूँ गरम मसाला। लाल मिर्च पाउडर अगर आप चाहते हैं कि आपकी डिश काफ़ी स्पाइसी हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अंदर जाएगी थोड़ी सी चीनी। और इस टमाटर की ग्रेवी को अच्छे से हमें यहाँ पर पकने देना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट में ये पक के तैयार हो जाएगी। तो ग्रेवी यहाँ लगभग पक के तैयार है। तेल यहाँ पर टमाटर ने छोड़ना शुरू कर दिया है। कंसिस्टेंसी इसकी ठीक करने के लिए हम थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करेंगे। और बस 2-4 मिनट और, उसके बाद ये ग्रेवी बिल्कुल पक के तैयार हो जाएगी। तो ये तरी पक के अच्छे से अब यहाँ पे तैयार हो गई है। और इसका रंग देखिए, इतना अच्छा इसका रंग आया है। अब बस एक आखिरी काम हमें करना है। हम डालेंगे इसके अंदर पहले से तैयार किए हुए कोफ्ते। और इन कोफ्तों को इस ग्रेवी में अच्छे से हम लपेट देंगे। तो लीजिए, बनके तैयार है जैन सोया कोफ्ता। और आइए जल्दी से इसको हम एक बोल के अंदर निकाल लेते हैं। तो एक खास बात जो इन कोफ्तों की है वो यही है कि ना तो हमने इसके अंदर प्याज का इस्तेमाल किया है,
ना ही हमने इसके अंदर लहसुन डाला है, लेकिन उसके बावजूद आई एम श्योर जो उसका टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आने वाला है। और गार्निशिंग के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बारीक कटे हरे धनिए का। तो बिना लहसुन और बिना प्याज की इस रेसिपी को अगली बार आप घर पे ट्राई जरूर कीजिएगा और हमें बताना मत भूलिएगा कि आपको ये कैसी लगी। ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए न्यूट्रेला फूड तक को लाइक, कमेंट और शेयर करना भी मत भूलिएगा।